देखिए, मैंने पिछले 6 महीने से लगातार एक ही बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम है, और इसीलिए मैंने कांग्रेस ने मुझे बहुत मान दिया, लेकिन परिस्थिति उत्तर प्रदेश की ऐसी बन गई कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को हटाने में केवल समाजवादी पार्टी सक्षम दिखाई दे रही थी। और जो मैं बात 4 महीने से बोल रहा था वो आज साबित हो रही है, 7ों विधानसभा सहारनपुर की समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। यही सपना लेकर के समाजवादी में आया हूँ और इंशाल्लाह इसको पूरा करूँगा। ऐसे में जब भाजपा अपनी विकास की गंगा के उल्लेख कर रही है, कहाँ तक टिकेगी सपना? देखिए, विकास की गंगा की बात भाजपा के बात है ना, भाजपा जो भी बोलती है वो कभी करती नहीं। वो बहुत विकास की बात करते हैं, 1 यूनिट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ हो तो बता दें, 1 कारखाना उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने लगाया हो जो 1 लाख करोड़ का निवेश की बात कर रहे हैं तो वो बता दें, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसी योजना बता दें जो केवल और केवल और केवल और केवल भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुरूप हो वो पूरी की हो तो बता दें। राम मंदिर को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया बना है, और राम मंदिर को सारे देश ने स्वीकार किया है, सारे देश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को श्रेधार्य कर करके मानने का काम किया, तो उसका श्रेय भी वो लेने का काम करेंगे। तो ये चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ 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 और झूठ के ऊपर चलती है। भाजपा का कहना है कि अगर अखिलेश की सरकार आई तो जिन्ना की मूर्तियां लगेंगे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आपने इतना बढ़िया सवाल किया, इसका जवाब मैं देना चाह रहा था। अखिलेश जी जिन्ना की मूर्ति नहीं लगाएंगे, जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाई। अखिलेश यादव के लोगों ने, अखिलेश यादव की विचारधारा ने जिन्ना के साथ सरकार नहीं बनाई थी। 12 दिसंबर 1941 को बंगाल प्रोविंस के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के ए फजलुल हक साहब की गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बने और उसी सरकार के अंदर वो उप मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने द्विराष्ट्र थ्योरी को, जो टू नेशन थ्योरी थी, उसका समर्थन किया। सरहदी सूबे के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार हिंदू महासभा के लोगों ने तोड़ करके मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस की सरकार तोड़ करके बनाई। सिंध के अंदर इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया 1936 के अंदर, और उस 1936 के रेजोल्यूशन को 27 अप्रैल 1940 के अंदर मुस्लिम लीग ने लाहौर के अंदर पास किया कि देश का विभाजन होना चाहिए। तो ये विभाजनकारी जो नीति करने का समर्थन करने वाले लोग हैं वो जिन्ना की मूर्ति लगाएंगे। हम जिन्ना को सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं, जिन्ना हमारा सबसे बड़ा दोषी है, जिन्ना ने देश का विभाजन करने का काम किया, तो जिन्ना के साथ काम करने वाले लोग जिन्ना की मूर्ति लगाएंगे, जिन्ना के विरोध करने वाले लोग नहीं। तीन तलाक और जो एंटी रोमियो था जिसको लेकर महिलाओं में बहुत खुशी है कि छेड़छाड़ की घटनाएं नहीं होती, हाथरस, लखीमपुर, उन्नाव, कानपुर, कहां-कहां की गिनवाऊं आपको, कहां-कहां की गिनवाऊं घटनाएं, शाहजहांपुर, रेप कांड के आरोपी बरी होते हैं, वीडियो वायरल होती है और वीडियो के बाद भी निकाले जाते हैं। कहां है बेटियों का सम्मान, कहां है बेटियों का मान, कौन से कानून की बात कर रहे हैं? कानून का राज है, कानपुर में व्यापारी की हत्या हो जाए कानून का राज है, टोटी से लटका करके आदमी को मार दिया जाए थाने के अंदर कानून का राज है, किसान शहीद कर दिए, 700 किसान शहीद हो गए कानून का राज है, लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा लखीमपुर के अंदर रगड़ करके मार दिए क्या कानून का राज है? कौन से कानून के राज की बात कर रहे हैं? सिर्फ ठोको 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 की बात करोगे, और ठोको भी बिरादरी के नाम पर ठोकोगे, केवल बिरादरी के नाम झाट छाट करके कौन से किसको मारना है तुम्हें उसको ठोकने का काम करोगे।